News en Sri Lanka, yo 1-0 का जो इनका स्कोर रहा आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मैच सीरीज, और क्या ये आगे भी इसी तरह से अपने इस स्कोर को जारी रख पाएंगे, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स पाकिस्तान जो है इनके खिलाफ क्या ये अपना प्रदर्शन बनाए रखेंगे। सेकंड टेस्ट सीरीज जो है डे 4 आज है, और ऐसे में यहाँ पर साथ ही सुबह 11 बजे से सोनी मैक्स पर आप ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं, और सोनी टीवी जो है ये अवेलेबल टू स्काई टीवी कस्टमर्स एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन चैनल 798 एंड ऑल्सो अवेलेबल ऑन वर्जिन मीडिया 806 एंड टॉक टॉक 557। चलिए अब आपको लौटा कर लाते हैं यहाँ पर आपका अपना सबरस रेडियो, और मेरे सामने डॉक्टर राजीव वाधवा जी बैठे हुए हैं, उनका स्वागत करती हूँ। और मुझे तो आप जानते ही, लेकिन फिर भी नाम बताना जरूरी होता है, तो वो रस्म भी अदा कर ली जाए। प्रोग्राम मिड मॉर्निंग शो पेश करते हुए मैं यानी कि अंबर, तो डॉक्टर राजीव वाधवा जी आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम बैक आफ्टर 1 वीक। गुड मॉर्निंग अंबर जी और सभी सुनने वालों को गुड मॉर्निंग। आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए अब हमने पिछले हफ्ते जहां बातचीत को छोड़ा था वहीं से पिक करते हैं, लेकिन एक रस्म और अदा कर ली जाए। आपका वीकेंड कैसा गुजरा? वीकेंड बहुत अच्छा था अंबर जी। चलिए ये भी एक रस्मी प्रश्न था जो पूछना जरूरी था जी। तो पूछ लिया। चलिए तो हमने जहां बातचीत को छोड़ा था पिछले हफ्ते वहीं से पिक करते हैं। जी अंबर जी, कॉमन आई प्रॉब्लम। हाँ, आंखों की प्रॉब्लम के बारे में पिछले 3 हफ्ते से हम लोग बात कर रहे हैं जी। तो ये चौथा हफ्ता है इस बारे में, तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको खत्म कर देंगे। सिर्फ एक मेन टॉपिक बचा है जो कि काफी जरूरी है, ग्लॉकोमा। तो ग्लॉकोमा के बारे में आज हम लोग बातचीत करते हैं और बताते हैं कि ये क्या होता है। मैं पूरी कोशिश और भी करूंगा कि ये ग्लॉकोमा का डिस्कशन खत्म होने के बाद आज हम लोग जरूर फ्लू वैक्सीन के बारे में बात करें जी। जैसा कि आपको पता है, हर साल सर्दियों में ये अक्टूबर का महीना जब शुरू होता है, सितंबर एंड अक्टूबर के पहले हफ्ते से फ्लू वैक्सीन लगनी शुरू हो जाती हैं उन लोगों को जिनको जरूरी है, तो वो उसके बारे में भी हम लोग प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि किसको लगनी चाहिए और क्या हमें करना चाहिए उसके लिए। तो लेकिन पहले ग्लॉकोमा की बात करते हैं, आंखों के डिस्कशन को खत्म करते हैं। तो आंखों के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स में एक दो बार दोहराया है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपकी आंखों में रोशनी जाती है कॉर्निया से होते हुए। कॉर्निया आपकी आंख का वो हिस्सा है जो बाहर से देखने में रंगीन हिस्सा दिखता है, जो काला या भूरा या हरा या नीला जैसे भी हो सकता है। उसके जरिए रोशनी अंदर जाती है। उसके पीछे एक लेंस होता है, लेंस के जरिए जो रोशनी है पूरा विजन जो है वो कंसंट्रेट होता है, फोकस होता है आपकी आंख के पीछे के पर्दे पर, जहां ऑप्टिक नर्व होती है, रेटिना होती है, रेटिना से फिर ऑप्टिक नर्व पीछे बनती है। तो रेटिना के ऊपर ये जो रोशनी की किरणें पड़ती हैं, जब लाइट जो है लाइट रेस, और उनको जो है न्यूरल सिग्नल में ऐसी सिग्नल्स में बदला जाता है कि दिमाग ब्रेन जो है हमारा वो उसको पढ़ पाए कि ये क्या है, और समझ पाए कि जो हम देख रहे हैं वो क्या है, उसका क्या रंग है, उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये सब काम ब्रेन में होता है, और ये सिग्नल रेटिना से होते हुए ऑप्टिक नर्व के जरिए फिर दिमाग में ब्रेन में हमारे पहुंचाया जाता है। तो जो ये लेंस है और जो हमारा बाहर का जो ट्रांसपेरेंट एक लेयर है कॉर्निया जिसे हम कहते हैं, उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये एक्वस ह्यूमर इसलिए होता है कि जो आंख का एक शेप और स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए, क्योंकि आंख जो है कोई सॉलिड मसल नहीं है, आंख का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई बोन नहीं है, फिर भी उसे अपना आकार बनाए रखना है। तो उस आकार को बनाए रखने के लिए उसमें ये फ्लूइड भरा होता है। लेंस के आगे जो फ्लूइड होता है उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और लेंस के पीछे के पूरे हिस्से में रेटिना के तक जो फ्लूइड भरा होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई गुब्बारा है और उसमें पानी भर दिया जाए तो उसका स्वरूप बना रहता है, उसका आकार बना रहता है, वो ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, वो जितना अगर गोला है तो वो वैसा ही बना रहेगा। लेकिन उसी को अगर आप निकाल दें पानी को, तो गुब्बारा बहुत फ्लैबी सा हो जाएगा, आप उसे भी जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारी आंख का स्ट्रक्चर बार बार
फूले बार बार, कमजोर हो, छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो हम चाहते हैं कि वो स्ट्रक्चर वैसा ही बना रहे, वरना वो ठीक से काम नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो जो प्रेशर है कि कितना उसके अंदर फ्लूइड होना चाहिए, उसका आकार कितना होना चाहिए, वो प्रेशर बना रहे। वो प्रेशर बनाने का जो काम है वो इस एक्वस ह्यूमर से होता है। तो ये एक्वस ह्यूमर जो है, ये आँख में ही एक सीलियरी बॉडी नाम का एक स्ट्रक्चर होता है लेंस के पास, उससे ये लगातार बनता है, और फिर आँख में ही ट्रेविकुलर नेटवर्क होता है, उससे वो एब्जॉर्ब होता है। तो वो लगातार बनता जाता है, लगातार वहाँ से एब्जॉर्ब होता जाता है, और वो प्रेशर उतना मेंटेन रहता है, जिसे हम कहते हैं कि आँख का प्रेशर, ऑक्युलर प्रेशर जी। तो ये जो दबाव है, जो प्रेशर है, ये बना रहता है, और उस प्रेशर की वजह से हमारी आँख जो है, एक उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आकार है, वो बना रहता है। अगर इस प्रेशर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आँख पर प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसमें ग्लॉकोमा में क्या होता है कि जो फ्लूइड का बनना या तो बढ़ जाता है, या उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, गड़बड़ होने लगता है। तो आँख के अंदर जो प्रेशर है वो जितना नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं होता, वो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब ये प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमारी रेटिना के ऊपर पीछे और हमारी ऑप्टिक नर्व के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जब उस पर लगातार पड़ते हुए प्रेशर से उसके ऊपर फर्क आता है, उसके ऊपर डैमेज होने लगती है, इतनी कि पहले विजन थोड़ा कम होने लगता है, और फिर आगे चलकर धीरे धीरे विजन बुरी तरह से चला जा सकता है, पूरी तरह से ब्लाइंडनेस, अंधापन भी आ सकता है। तो ये शॉर्ट में ग्लॉकोमा की बात है। तो इसे हम, जब ये प्रेशर बढ़ जाता है और उससे आँख पर डैमेज होने लगती है, तो उसे हम ग्लॉकोमा कहते हैं जी। डिफरेंट टाइप्स के ग्लॉकोमा होते हैं, अलग अलग तरह के। आम तौर पर जिस हम ग्लॉकोमा की बात करते हैं, तो अगर हम किसी मरीज से कहते हैं कि आपको ग्लॉकोमा है, तो वो जो सबसे कॉमन टाइप का ग्लॉकोमा होता है उसे हम कहते हैं। तो जो मरीज भी कहते हैं मुझे ग्लॉकोमा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कॉमन टाइप वाला ग्लॉकोमा है। उसका पूरा नाम जो अगर टेक्निकल नेम देखें तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लॉकोमा, COAG, या क्रॉनिक ग्लॉकोमा कहते हैं, या कई बार प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा भी कहते हैं। ये जो आम तौर पर अधिकतर लोगों में जो ग्लॉकोमा होता है वो क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लॉकोमा होता है। एक रेयर होता है जो बहुत कम होता है, क्लोज्ड एंगल, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन है, ओपन एंगल ग्लॉकोमा जो है, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लॉकोमा। तो हम जब ग्लॉकोमा कहेंगे तो हमारा मकसद इसी क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लॉकोमा से है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता है, स्लोली ओवर द ईयर्स, और पेनलेसली, आपको आँख में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई दर्द नहीं होगा, आपके विजन पे भी शुरू में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आप अगर अपनी आँखें चेक नहीं कराते हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको ये बीमारी अंदर अंदर हो रही है और बढ़ रही है, और धीरे 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 ये बढ़ती जाती है और आपकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज करती जाती है। और जब ये डैमेज इस हद तक पहुँचने लगती है कि आपकी विजन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लगता है, तब आपको मालूम पड़ता है, और तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या चश्मे वाले के पास जाते हैं, ऑप्टिशियन के पास, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आंखें चेक कराते हैं, और तब पता लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और उससे डैमेज हो चुकी है, और तब आपको स्पेशलिस्ट को रेफर किया जाता है। आमतौर पर लोगों को शुरू में इसका पता नहीं लगता, अनलेस आप रेगुलरली अपनी आँखें चेक करा रहे हैं, तो ऑप्टिशियन को जल्दी ही पकड़ लेते हैं। तो ओपन एंगल का क्या मतलब है? ओपन एंगल ऐसा होता है कि आँख के जो स्ट्रक्चर हैं, एक स्क्लेरा होता है और आयरिस होता है, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है हमें ज़्यादा उसके बारे में समझने की। तो वो एंगल जो होता है वो ओपन होता है, तो उसे हम ओपन एंगल कह देते हैं। लेकिन जो क्लोज एंगल होता है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसमें वो एंगल पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ग्लॉकोमा क्या में होता क्या है कि पार्शियल ब्लॉकेज, जो हमारा ट्रेबिकुलर नेटवर्क है, मेशवर्क है, जिसके जरिए ये एक्वस ह्यूमर जो फ्लूइड है ये आता जाता रहता है, ड्रेन होता है, उसमें पार्शियल ब्लॉकेज होती है, कम हल्की सी ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से ये विट्रियस ह्यूमर बढ़ने लगता है आँख के अंदर, और उससे हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। ये होता क्यों है, ये नेटवर्क में ये प्रॉब्लम क्यों आ जाती है, मेशवर्क में, ट्रेबिकुलर मेशवर्क में ब्लॉक क्यों होने लगता है, ये इसके बारे में अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को जस्ट ये हो जाता है, उसका कोई खास कारण समझ में नहीं आया है। तो ये इस प्रेशर की वजह से फिर, जैसा मैंने बताया, पीछे डैमेज होने लगती है।
तो होता किसको है ये? ये यूके में काफी कॉमन है, 40 के उम्र से ऊपर जो है 2% लोगों को हो सकता है, 50 में से एक आदमी को ये प्रॉब्लम हो जाती है, और अगर जब आपकी उम्र 75 साल से ऊपर हो जाती है तो ये 10% तक लोगों को हो जाती है, 10 में से एक लोगों को, 100 में 10। 35 साल की उम्र से बहुत कम होती है ये, बहुत रेयर होता है और अनयूजुअल होता है, ये किसी को भी हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लॉकोमा है, जिनके फैमिली में उनके माँ बाप को या उनके भाई बहन को ग्लॉकोमा है, उनको ज़्यादा हो सकता है जी। जिनको बहुत ज़्यादा मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस है, चश्मे का नंबर जिनका होता है उनको हो सकता है, जिनको डायबिटीज़ होती है उनको इसका रिस्क ज़्यादा होता है, जो अफ्रीकन या एफ्रो कैरिबियन ओरिजिन के लोग हैं, वहाँ से आए हैं, वहाँ से उनका ओरिजिन है, तो उनको ज़्यादा हो सकता है। और जैसा कि मैंने बताया 40 साल की उम्र से शुरू होता है और इसका रिस्क धीरे धीरे बढ़ता जाता है, काफ़ी उम्र के साथ ये हो जाता है इनका। एक और टर्म कई बार आम आदमी तो नहीं लेकिन डॉक्टर या चश्मे वाले लोग जो ऑप्टिशियंस हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या आई स्पेशलिस्ट जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो उसको हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल प्रेशर ग्लॉकोमा। तो उसमें क्या होता है कि डैमेज तो हो गई है, लगता है जैसे ग्लॉकोमा है, लेकिन जब आप प्रेशर नापेंगे तो वो प्रेशर नॉर्मली होती है। तो उसमें ये होता है कि ये जो लोग होते हैं उनकी ऑप्टिक नर्व में जरा सा भी प्रेशर बढ़ जाए तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं उसके, और उनको डैमेज शुरू हो जाती है, तो उसको हम लोग नॉर्मल प्रेशर ग्लॉकोमा कहते हैं। और इसका अपोज दूसरा उल्टा भी हो सकता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन उनकी आंख में कोई डैमेज नहीं है, तो उनकी मान सकते हैं कि उनकी जो रेटिना है, उनकी जो आंख है, ऑप्टिक नर्व है, वो इससे एक रेजिस्टेंट है, उसको बर्दाश्त ज्यादा कर, उसमें बर्दाश्त की क्षमता है, वो उसको बर्दाश्त कर लेती है, तो इसके बावजूद कि प्रेशर ज्यादा है उनमें कोई डैमेज नहीं है, उसे हम ऑक्युलर हाइपरटेंशन कहते हैं कि प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है लेकिन आपकी आंख में कोई डैमेज नहीं है। लेकिन जिनको ये ऑक्युलर हाइपरटेंशन है, यानी प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन आंख में कोई डैमेज नहीं है, उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि वो हाई रिस्क पर होते हैं कि आगे चलकर उन्हें ग्लॉकोमा हो सकता है। ओके, तो चलिए बातचीत का जो सिलसिला है हम जारी रखेंगे क्योंकि बीच में हमारी ब्रेक भी आ जाती हैं, तो उसके कारण हमें रुकना भी पड़ता है जी। और साथ ही हमारे कुछ श्रोता होते हैं जिनको बातचीत सुनते सुनते भी कुछ सवाल याद आ जाते हैं, तो अगर किसी को बातचीत के दौरान कोई सवाल याद आता है तो बराए मेहरबानी जैसे ही ब्रेक शुरू हो जाए तो आप फौरन हमें फोन कर लें ताकि हम आपका प्रश्न नोट कर सकें, और अगर आप फोन पर थ्रू ना हो सकें देन हमारी वेबसाइट sabrasradio.com पर जाकर आप ईमेल स्टूडियो ऑप्शन चुनते हुए अपनी सही आईडी से अपना प्रश्न जो है भेज दीजिए। लंबा चौड़ा प्रश्न होगा तो हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं होगा, तो इसीलिए आप बाकी बातों को भुलाकर केवल अपना प्रश्न लिखकर भेज दीजिए कि दिस इज द क्वेश्चन, और अगर हो सके तो अपनी एज ग्रुप साथ में लिख दीजिए क्योंकि उससे सवाल का जवाब देने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये 3 मिनट का मैसेज है तो हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं व्हाई ऑन दिस। तो ग्लूकोमा का भी कितना बाकी है? ग्लूकोमा तो है अभी, उसका डायग्नोसिस, उसके सिम्टम्स 25 पास्ट हो गए हैं, तो कितने मिनट का बाकी होगा? 10-15 मिनट? 10-15 मिनट और फिर कुछ 7-8 मिनट हम फ्लू के बाद। हाँ ठीक है, नहीं तो फिर वो एग्जैक्ट पॉइंट पे जाना होगा। इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है वो आपने बता दिया ऑलरेडी? नहीं, वो आपकी प्रेशर पे, तो वो जब सिम्टम्स की बात करते हैं अभी जी कि किस कैसे सिम्टम्स होते हैं और तो फिर उसके बारे में उसका जिक्र करते हैं। And is this something that can be detected early? जी, beginning stage? जी, जी, तो मैं अभी बताऊंगा कि किस किस को आप पूछ सकते हैं, किस किस को रेगुलर अपनी आंखें जो है चेक करानी चाहिए और कितनी कितनी समय तक, तो उसका थोड़ा सा डिस्कशन। ओके, इनकी तरफ से आप सबको हैप्पी दीपावली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। त्योहारों पर बेहतरीन गिफ्ट आइडियाज के लिए आरती ज्वेलर्स में आएं। ज्यादा जानकारी के लिए टेलीफोन 0116-254-5091। Sab's Grill wish you a happy Diwali and a prosperous new year. The very best in serving authentic Indian cuisine. Sab's Grill, 53 Leicester Road, Wixon, Leicester. Log on to sabsgrill.co.uk. Free private function room now available for all your special occasions. The
Hearty greetings and a happy new year from Envy Lounge off Surrey Street, Leicester. Come and experience live music every weekend in our warm and comfortable lounge. For table bookings, call Mr. Sandali on 0771-026-4671. Rock Indo of 128 Belgrave Road, Leicester would like to wish you a happy Diwali and a prosperous new year. Rock Indo, an authentic place in town to experience the flavour of Indo-Chinese cuisine. We are open during the festive season. For table reservations, call 0116-266-8866. That's 0116-266-8866. The North Kotecha and Sunita of Confederation of Indian Organizations wishes you all a happy Diwali and a prosperous new year. For lunch clubs and other social activities, contact 0116-266-8068. Mahiri Saris wish you all a happy Diwali and a prosperous new year. Mahiri Saris for traditional and modern saris and lehengas. Mahiri Saris meeting by appointment for that one-to-one service. Find us on Facebook and Instagram or visit mahirisaris.co.uk. Diwali from one of the leading Bollywood promoters, J.H. Kotak and Jay's Entertainment. Visit jaysentertainment.co.uk. Get your hands on some of the latest designs of ladies' suits, saris, lehengas, kids' wear, private wear, kurta pajamas, sherwanis, and loads of loose fabrics. Mostly half price. अच्छा भी लगता है एक तरह से सुन करके पता चलता है कि कितने लोग विश कर रहे हैं गाना होगा नेक्स्ट ब्रेक में 10 मिनट बाद Okay, this is the last step. The Trendsetters. This is 1260 AM. चलिए अब लौट कर आते हैं यहाँ पर और घड़ी की सुइयों के इशारे को भी देख रहे हैं समझ रहे हैं अच्छी तरह से और डॉक्टर साहब की तरफ भी लौट कर आ जाएं हम तो आज का जो विषय है अपनी कॉमन आई प्रॉब्लम्स का अंतिम पड़ाव जो है उस तक हम पहुंच चुके हैं कि नहीं डॉक्टर साहब और जैसा अभी ब्रेक के दौरान मैं आपसे पूछ रही थी कि सिम्टम्स वगैरह जो होते हैं उसकी भी बात कर ली जाए तो जहाँ आपको वक्त मिले उस हिसाब से आप बता दीजिएगा प्लीज एक तो सिम्टम्स की इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कैन इट बी डिटेक्टेड अर्ली और तीसरा प्रश्न भी यही जोड़ देती हूँ क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो फिर बीच में थोड़ा बहुत तारतम्य बना रहे तो उसके लिए भी पूरी कोशिश करती हूँ कि बीच में मुझे ना पूछना पड़े लेकिन जहाँ जरूरी होता है पूछना पड़ जाता है तो जैसे डायबिटीज का होता है कि वो परमानेंट एक तरह की बीमारी है तो अगर कुछ टाइम के लिए वो चली भी जाए लौट कर आ जाती है जी। तो क्या ये भी अगर चला जाए लौट कर आ जाता है क्या ये भी एक ऐसी परमानेंट बीमारी है या ये इससे छुटकारा पाया जा सकता है नहीं अंबर जी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जिसको हो गई तो हो गई ओके डायबिटीज भी जिसको हो जाती है तो फिर वो हो जाती है वो बीमारी नहीं जाती है कई बार आप दवाइयों से या आप डाइट करके या एक्सरसाइज करके आपने खूब अच्छा अपना रूटीन बना लिया है आप रोज एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में 5 दिन 6 दिन आपने अपने डाइट पर पूरा कंट्रोल किया है तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है जी। तो जब आप टेस्ट कराएंगे तो वो नंबर इतने अच्छे आएंगे आपका HbA1c या ब्लड शुगर जो भी आप टेस्ट करते हैं तो वो इतना अच्छा लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल है बिल्कुल लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी चली गई है इसका मतलब है कि आपने अपनी मेहनत से और दवाइयों के साथ डॉक्टर की सलाह से आपने उसके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप दवाइयां बंद कर दें कि अरे मेरा तो ठीक हो गया क्योंकि डायबिटीज और ग्लूकोमा भी
अनफॉर्चुनेटली ऐसी बीमारी नहीं है कि वो चली जाए, वो रहती है शरीर के अंदर, आप उसे मौका देंगे तो वो फिर सर उठा लेगी अपना. जी, तो ग्लॉकोमा में भी हम ट्रीटमेंट के आगे बात करेंगे. ट्रीटमेंट आमतौर पर तकरीबन सभी के लिए लॉन्ग टर्म होता है, पूरी लाइफ के लिए. तो अगर वो आप बार बार आई टेस्ट करा रहे हैं और सब ठीक आ रहा है, सब ठीक आ रहा है, तो उसको यह मतलब नहीं है कह रहे मैं क्यों उसका दवाई डोज लूं, क्यों आई ड्रॉप डोज डालूं, बंद कर दें. अब बंद कर देंगे तो वो फिर वापस और खराब हो जाएगी. जी जी. तो सिम्टम्स जैसा कि आपने पूछा अंबर जी, इसमें सिम्टम्स कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं. तो अधिकतर लोगों को जैसा मैंने पहले बताया ग्लॉकोमा हो सकता है अंदर अंदर बढ़ रहा हो, उन्हें पता नहीं होगा कि ग्लॉकोमा है, क्योंकि इसमें ना तो कोई आंखों में लाली आती है, ना आंखों से कोई मवाद पास आता है, ना कोई ज्यादा पानी आता है, ना कोई दर्द होता है. सिर्फ एक सिम्टम इसमें होता है कि आपकी आंख का विजन जो है, आपकी नजर काफी डैमेज हो जाती है, काफी कमजोर हो जाती है. लेकिन वो हमें पता तब लगता है जब वो काफी बढ़ गई होती है. शुरू शुरू में हमें ज्यादा पता नहीं लगता. इसकी वजह बहुत खास है, थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन मैं बताता हूँ. वो इसलिए कि जब इसमें डैमेज अंदर प्रेशर की, प्रेशर आपका बढ़ा है बढ़ा है बढ़ा है, वो इतना नहीं होता कि आपको उस बढ़े प्रेशर की वजह से कोई दर्द हो, कोई पानी नहीं आए, कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. लेकिन वो अंदर अंदर डैमेज कर रहा है. और ये डैमेज जो है आपका जो आउटर विजन होता है, जो हमारी बाहर की, जैसे हम अगर सामने देख रहे हैं, आप अगर इस समय मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो करें जी. आप एक आंख चाहे अपनी बंद कर लें और सामने देखें, तो आपका जो विजन है इसमें, जो पेरिफेरल विजन है, जो बाहर की चीज है, जो सबसे दूर की आउटर जो है, ठीक आपकी आंख के सामने नहीं बल्कि साइडों पर जो दूर की आपको दिख रही है, तो उसके ऊपर ज्यादा असर आता है पेरिफेरल विजन पर. और पेरिफेरल विजन अगर बहुत दूर का है तो धीरे धीरे आपको ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा. तो जैसे अगर आप आंख खोलकर सड़क पर सामने देख रहे हैं और आपको बहुत दूर का, आपके अगर सपोज आपने बाई आंख बंद की हुई है अपनी, तो दाहिनी तरफ अगर आपको कोई सड़क जाती हुई दिख रही है काफी दूर, और वो अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए तो हमें उतना पता नहीं लगता है. और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो इस आंख से नहीं वो हिस्सा दिख रहा है तो दूसरी आंख उसको कंपनसेट कर देती है, वहां से पता लग सकता है. और हमारा ब्रेन उतना उसको थोड़ा सा मिस आउट कर जाता है, वो बताता नहीं है. तो हमें पता तब लगता है कि जब हमारा सेंट्रल विजन, जो हमारा ठीक सामने देखने का जो विजन है, उसके ऊपर असर आने लगता है, तब हमें पता लगता है. इसीलिए कई बार सालों लग जाते हैं कि आपकी आंख में डैमेज होती जाती है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता. ये भी होता है खासतौर पर बुजुर्ग लोगों में कि उनकी आंख, उनकी नजर कम हो गई है और वो कहते हैं अरे ये तो उम्र के साथ है मेरी, तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बूढ़ी हो रही हूँ, तो आई एम जस्ट गेटिंग ओल्ड. और तो वो उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आंखें कई सालों तक अपनी चेक नहीं कराते हैं. और तब जब बिल्कुल आंखें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं, विजन काफी कम हो जाता है, तब उनको पता लगता है. तो ग्लॉकोमा जो है, अनट्रीटेड ग्लॉकोमा, जो लोगों को पता भी नहीं है या पता है तो वो उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, अनट्रीटेड है, तो वो दुनिया के जो टोटल लॉस ऑफ विजन, ब्लाइंडनेस के जो सबसे मेन बड़े बड़े कारण हैं, उनमें से एक है ये. और इसे बड़ी आसानी से बचाया सकता है कि आप अपनी आंखें रेगुलर टेस्ट कराएं और उसके बाद अगर ग्लॉकोमा का पता लगता है या प्रेशर हाई लगता है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए. तो हम लोग कहते हैं कि जिसकी भी उम्र है, जैसा मैंने बताया कि 40 साल के ऊपर ये बीमारी बढ़नी शुरू होती है, तो 35 से 40 मान लीजिए 35 साल की उम्र के बाद हर किसी को कम से कम हर 5 साल में अपनी आँख जरूर चेक करानी चाहिए. वो तब जब आपको कोई चश्मा नहीं लगा है, आपकी नज़र में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो जब आप चेक कराएंगे तो आपको ऑप्टिशियन आपको खुद ही बताएगा कि आपको चेक 1 साल में या 2 साल में कब होना है, वो एक अलग चीज़ है. अगर आपको चश्मा नहीं भी है तो भी 35 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है तो आपको ज़रूर ऑप्टिशियन से अपनी आँखें चेक करा लेनी चाहिए. ऑप्टिशियंस का तो आप किसी भी ऑप्टिशियन पर जा सकते हैं, 10 या 15, कोई कोई 20 पाउंड लेते हैं आँख टेस्ट करने के. तो 2-4-5 साल में एक बार कराना है तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. और कई बार आप अगर देखें तो बहुत से ऑप्शंस के हैं, फ्री आई टेस्ट का ऑफर भी लगा होता है, तो आप वो भी करा सकते हैं. अगर आपकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है तो हम लोग कहते हैं कि 2 से 3 साल पर आपको ज़रूर अपनी आँख चेक करा लेनी चाहिए. तो अगर आपकी उम्र 35 है, मैं फिर दोहराता हूँ, 35 तक हो गई है और आपका चश्मे का आँख का टेस्ट नहीं हुआ है, तो आप चश्मे वाले से अपना चेक जरूर कराएँ और उसके बाद फिर हर 5 साल पर कराते हैं. 50 साल की उम्र के बाद हर 2 से 3 साल तक आपको अपनी चेक करानी चाहिए. और अगर आपको वो रिस्क फैक्टर है जो मैंने अभी बताया, जिनको ग्लॉकोमा ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लॉकोमा है, आपके माँ बाप को या भाई बहन को किसी को ग्लॉकोमा है,
आपको मायोपिया है शॉर्ट साइटेडनेस है तो आपको तो चश्मा लगा होगा, आपकी आंखें जरूर रेगुलर चेक होती होंगी। आपको डायबिटीज़ है अगर आप अफ्रीका या अफ्रीकन अफ्रीको एफ्रो कैरेबियन ओरिजिन से हैं, और उम्र के साथ तो आपको ज़रूर अपनी आँखें और ज़्यादा जल्दी चेक करानी चाहिए। फ्री आई टेस्ट भी होता है, 40 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र है और आपका एक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है जिसे ग्लॉकोमा है, यानी कि आपकी मदर फादर ब्रदर या सिस्टर को ग्लॉकोमा है और आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है, तो ये बात अगर आप ऑप्टिशियन को बताएंगे तो आपसे आई टेस्ट के पैसे नहीं लिए जाएंगे, उनको NHS पे करता है, आपको नहीं देना है। अगर तो इसमें आपके लिए तो है, लेकिन अगर किसी को ग्लॉकोमा हुआ है तो उन्हें अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को, अपने माँ बाप को या भाई बहन को बताना चाहिए कि वो जाकर अपनी आँख टेस्ट कराएं, और अगर उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है तो उनको भी पैसे नहीं देने होंगे। डायबिटीज़ अगर आपको होती है तो आपसे कहा जाता है आप रेगुलर आई टेस्ट कराएं, उनके भी आई टेस्ट के पैसे नहीं लगते हैं। तो आई टेस्ट में होता क्या है, जब आप ऑपरेशन के जाते हैं तो आपकी नज़र के अलावा जो नंबर पढ़ के पता लगता है कि आपको चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं, वो तो चेक करते ही हैं, लेकिन ऑपरेशन के और भी बहुत मशीनें होती हैं, वो आपके पीछे आपके पर्दे को रेटिना को अच्छी तरह से देखते हैं, आपका प्रेशर चेक करते हैं, आपके अंदर जो इंट्राओकुलर प्रेशर जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो वो आप एक उनके पास मशीन होती है और उससे एक पफ ऑफ एयर जैसे हवा का एक झोंका सा आपके आँख में डालते हैं, उससे पता लगता है कि प्रेशर कितना है। और अगर उन्हें लगता है कि आपको ग्लॉकोमा है या आपका प्रेशर ज़्यादा है तो अधिकतर ऑप्टिशियंस आपको डायरेक्ट आई स्पेशलिस्ट के पास हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं होती कि फिर आप GP के पास जाएं। बहुत कम ऑप्टिशियंस हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, तो उस अगर वो ऐसा करेंगे तो आपको एक लेटर देंगे जो आप अपने GP के पास छोड़ देंगे और फिर GP आपको आगे रेफर कर देंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, एक बार फिर से वक्त हुआ चाहता है कि एक छोटी सी ब्रेक ले ली जाए, तो लौट कर आती हूँ कुछ ही पल में, आप लोग आसपास ही रहिएगा, दूर नहीं जाना। थैंक यू। तो वो डिटेल में पीछे भी देखते हैं, पीछे तो वैसे भी देखते हैं, तो पता लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों का देखते इतना मोटा मोटा चश्मा होता है, वो ब्रेक और भी है इसके बाद एक और इसमें दूसरे वाले ग्लॉकोमा को भी खत्म कर लेते हैं उस ब्रेक के बाद, फिर फ्लू की बात करते हैं। आपके पड़ोसी पड़ोसी तो बिग बॉस के घर के पड़ोसी होना तो बनता है बॉस। बिग बॉस के पड़ोसी आ रहे हैं बारह प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 11 पावर्ड बाय लबारो मनी ट्रांसफर ऑन कलर्स मंडे टू संडे एट 9 PM अवेलेबल ऑन स्काई 786 एंड वर्जिन 826। This hour's golden track of the hour is sponsored by Laxmi Jewelers. We buy old gold jewelry in any condition, and we stock gold bullion bars. 57-59 Belgrave Road, Leicester. Phone 0116-261-1177. Action. हमारे 19 में से 7 मिनट चले गए, यानी कि हमारे पास 12 मिनट, क्योंकि अगली ब्रेक 3:30 है। इसको जल्दी से खत्म करके अगला ब्रेक ले लीजिए, ताकि फ्लू के लिए फिर अनइंटरप्टेड टाइम मिले। अगला ब्रेक टाइम पर ही ले सकूंगी, वो 50 पे होगा। तो 45 तो हो चुके, almost 43 तो हो गए। हाँ, बट 50 से पहले ब्रेक नहीं हो सकती।
एक कटाई किसी या फिर किसी के बीच में है। अभी आप लोग मेरी चार ब्रेड चाहिए तो मैं पोस्ट कर देती हूँ। झुकी झुकी सी घटाए बुला रही है तुम खामोशियों की सजाए बुला रही है तुम्हें ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। इसके बाद हम 6 मिनट बात कर सकते हैं, 6-7 मिनट and then the final break will give us the remaining time. हसीन चमकन पैरों को जब से देखा है नबी की मस्त अदाए बुला रही है तुम्हें खामोशियों की सदाए बुला रही है तुम्हें ये वादियाँ ये फिजाए बुला रही। काश कि यहाँ पर भी वादियाँ इतनी खूबसूरत होती कि उनको देखकर कोई ऐसी शायरी करता सिखाने का था। मस्का की वादियाँ तो बहुत खूबसूरत है अंबर जी, आप जाके तो देखिए। काम से फुर्सत नहीं मिलती। हाँ मैं तो नहीं जाऊंगी, आई थिंक आई नीड टू गेट आउट। लेस्टर इज ब्यूटीफुल, लेस्टर शहर, नॉट लेस्टर सिटी। लेस्टर है तो लेस्टर शहर एक ही साइड ज्यादा अच्छा लगता है। लोग तो बहुत मौकों पे जाते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स टू सी। कुछ ड्राइव भी इतनी खूबसूरत है लेकिन साहिल नहीं है ना। चले जाना खत्म। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, और काश के साहिल जी भी होते तो फिर क्या बात होती। अब आप कहेंगे ये हेल्थ मैटर से किस मैटर में जा रही है, तो चलिए लौट कर आ जाते हैं। तो हमने कहाँ छोड़ा था बातचीत को डॉक्टर साहब? जी अंबर जी, तो ग्लॉकोमा की हम लोग बात कर रहे थे, तो सिम्टम्स की बात हो गई, आई टेस्ट की बात हो गई, तो बहुत छोटा सा बचा है इसमें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो एम जो ट्रीटमेंट का है, हम चाहते क्या है ट्रीटमेंट करके कि आपका जो प्रेशर है आपका वो कम हो जाए। अगर प्रेशर हम कम कर देते हैं तो जो प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से आपकी ऑप्टिक नर्व में जो डैमेज हो रही है वो कम हो जाएगी या डिले हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो डैमेज अगर ऑलरेडी हो चुकी है उसको वापस नहीं किया जा सकता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि उसे हम वापस मोड़ दें। तो एम हमारा ये नहीं है कि इतनी डैमेज हो गई है या कुछ आँख नजर कम हो गई है तो उसे ठीक कर दें, वो तो नहीं ठीक हो सकती है, लेकिन कोशिश ये है कि आगे और ना हो। तो उसके लिए सब बहुत आसान ट्रीटमेंट होता है, आपको आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, किसी किसी को एक आई ड्रॉप दिया जाता है, किसी को दो, कई बार बहुत ही मुश्किल केसेस होते हैं एडवांस उनको 3 तक दिए जाते हैं। उनका अलग अलग टाइम होता है, कुछ दिन में डाले जाते हैं, कुछ एक बार डाले जाते हैं, कुछ 2 बार। तो वो आपको आपके डॉक्टर समझा कर अच्छे से, आप ये सारा ट्रीटमेंट आपके जीपी के यहाँ नहीं होता है, आई स्पेशलिस्ट के यहाँ होता है। तो वो आपको बताएंगे क्या, और वो पूरी नजर रखेंगे, हर साल आपको बुलाएंगे, एक बार सेटल हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है तो आपको वो हर साल चेक करेंगे, हर साल बुलाएंगे, और आपको जैसे भी वो ड्रॉप्स बताएं उस हिसाब से आपको लेनी चाहिए। जैसा हमने पहले कहा कि अगर प्रेशर आपका, अगली बार आप टेस्ट पे जाते हैं प्रेशर ठीक आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई है। इसका मतलब ये है कि आप आई ड्रॉप्स ले रहे हैं इसलिए वो कंट्रोल में है, तो वो आप कंटिन्यू रखें। कुछ टैबलेट्स होती हैं जिन लोगों को ये आई ड्रॉप नहीं सूट करती या काम नहीं करती, टैबलेट दी जाती हैं, बहुत कम दिया जाता है, पुरानी दवाइयाँ हैं थोड़ी, बहुत रेयर अब देखा जाता है कि उन्हें कोई गोलियाँ दी जाए, अधिकतर सारा ट्रीटमेंट आई ड्रॉप से ही होता है। किसी किसी को आई ड्रॉप से अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो लेज़र ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको डे केस में कुछ घंटे के लिए हॉस्पिटल में बुलाकर लेज़र रेस से उसमें कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, और बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को अगर ये बिल्कुल कुछ नहीं ठीक हो रहा है तो एक छोटा सा ऑपरेशन जिसे हम ट्रैबिकुलेक्टमी कहते हैं वो भी किया जा सकता है अगर ज़रूरत हो तो। तो आम तौर पर अगर एक बार पता लग गया है कि आपको ग्लॉकोमा हो गया है, आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, तो फिर उसके बाद और डैमेज बहुत कम होती है या नहीं होती है और उसको जो है रोका जा सकता है, और आप ट्रीटमेंट करते रहें तो और आगे डैमेज नहीं होगी। ड्राइविंग का इसमें यह है कि अगर आपकी सिर्फ नज़र कमज़ोर है और आपको
और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके क्राइटेरिया होते हैं कि नज़र कितनी कमज़ोर है। अगर ग्लॉकोमा की वजह से या किसी और वजह से भी आपकी आंखों पर कोई प्रॉब्लम है तो ये लॉ है, कानून है कि आपको DVLA को, जो ड्राइविंग एंड ड्राइवर एंड व्हीकल लाइसेंसिंग एजेंसी है, उसे इन्फॉर्म करें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। तो उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो वो आमतौर पर आपके आई स्पेशलिस्ट से रिपोर्ट मांगते हैं कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, क्या है, और उस रिपोर्ट के हिसाब से वो फिर आगे आपको एडवाइस करेंगे कि आप आगे ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी बात की थी, अगर DVLA के रूल होते हैं कि आप उन्हें इन्फॉर्म करें तो ये जरूरी होता है। और अगर आप नहीं करेंगे और मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपकी इंश्योरेंस कवर नहीं होती है, बल्कि कुछ लोग जेल भी गए हैं कि उनको बीमारी थी और उन्होंने DVLA को नहीं बताया और इसके बावजूद ड्राइविंग को बनाए रखा। तो ये अंबर जी क्रॉनिक ग्लॉकोमा, नॉर्मल टाइप का ग्लॉकोमा जो है, क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लॉकोमा की जो बात है वो भी। एक और तरह का ग्लॉकोमा होता है जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। ये बहुत रेयर होता है, ये 1000 लोगों में से एक कभी किसी को होता है। ये एकदम से होता है, तो ये लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं है। ये एकदम से कुछ घंटों में ही आपको आंखों में प्रेशर जो है बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा, उसकी वजह से आंखों में सीवियर आई पेन होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, आपको ब्लर्ड विजन दिखने लगेगा, विजन आपका रिड्यूस हो जाएगा, आपको दिखाई ठीक नहीं पड़ेगा, आप इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि आप बीमार फील करने लगते हैं, आप वॉमिटिंग कर सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसके लिए, हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर हमारी आंखें में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया, पेन हो रहा है, वो आंख लाल हो गई है, बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, इतना ज्यादा कि हमें साथ में उल्टी हो रही है, हमारा विजन ब्लर्ड हो रहा है, तो ये एक इमरजेंसी है। इसमें आपको फौरन इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। तो आप आई कैजुअलिटी में, लेस्टर रॉयल इन्फर्मरी में, या लेस्टर में, या आप जहाँ पर भी हैं कहीं और से सुन रहे हैं, तो आपके नियरेस्ट जो भी आई डिपार्टमेंट है या एक्सीडेंट इमरजेंसी इमरजेंसी कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, आप फौरन बिना देर किए वहाँ जाएं। वहाँ जाकर भी बहुत देर बैठे नहीं रहे, उन्हें बताएं कि मेरी आँख में ये प्रॉब्लम है, मुझे डर है कि आँख पूरी चली ना जाए, क्योंकि अगर आप उसका जल्दी इलाज नहीं करते हैं तो कुछ घंटों में ही आपकी नज़र हमेशा के लिए परमानेंटली पूरी जा सकती है, आप ब्लाइंड हो सकते हैं। तो ये आप वहाँ दिखाएं, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर आगे आपका इलाज करेंगे। आमतौर पर वो भी ड्रॉप से ही होता है शुरू में, और फिर आगे चलकर बाद में अगर जरूरत होती है तो ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन इमीडिएटली ड्रॉप से डाले जाते हैं उसमें। चलिए अब एक आखिरी ब्रेक जो है इस भाग का वो ले लेते हैं जल्दी से, और फिर अगले जो बातचीत है फ्लू जैप जैसा आपने कहा था उस तरफ भी आते हैं, और अगर यहाँ से कुछ बच गया है तो उसको भी निकाल लेते हैं, उसको ब्रेक कर लें, उसका निकाल लिया जाए या बचा कुछ ग्लॉकोमा। नहीं, ग्लॉकोमा में तो अंबर जी यही है कि इसमें एक बार फिर में बहुत जरूरी है, अगर आपको आंख में और भी वजह होती है, ग्लॉकोमा ही अकेली वजह नहीं है, अगर सडन आपकी आंख में आपको लग रहा है कि सडनली विजन जा रहा है, आंख एकदम से ब्लर्ड हो रही है, कुछ घंटों की में ही बहुत सीवियर पेन हो रही है, लाल हो गई है, तो आप फौरन कैजुअलिटी में जाएं। उसमें आप फिर वो ये नहीं करें कि मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगा, अगले हफ्ते दिखाऊंगा, या कल चले जाएंगे, आज नहीं जाते हैं, आज गाड़ी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप फौरन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में जाएं और अपना इलाज कराएं। चलिए ठीक है, तो बस आज इस भाग में एक अंतिम ब्रेक हमें लेना है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हसमुख जी आपका मैसेज हमारे सामने है, तो मैसेज आपका कुछ क्लियर नहीं है, अगर आप अपना मैसेज थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के साथ भेज दें तो डॉक्टर साहब के सामने मैं रखूं आपका प्रश्न। थैंक यू, मैसेज तो क्लियर नहीं है कि डॉक्टर साहब ने लास्ट वीक कुछ DVLA के बारे में कहा था, ही एडवाइस फॉर DVLA, लेट देम नो, लिमिटेड ने वर्षा तथा सुनील राडिया नंबर को तो मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं અને નવા વર્ષના અભિનંદન પાઠવે છે. તહેવારોના દિવસોમાં સારા ફૂડ્સના સ્વાદિષ્ટ ફ્રોઝન ફરસાણો ઘરમાં રાખો, પધારેલા મહેમાનોને ગરમા ગરમ પીરસો અને પ્રસંગોને વધુ યાદગાર બનાવો. સારા ફૂડ્સ, રાડિયા હાઉસ, 107-115 હમરસ્ટર રોડ, લેસ્ટર, ફોન 0116251807. વી ઓન્લી હેવ 4 મિનિટ્સ.
3 minutes. Lakhani Motor Services and Elite Car Direct of 133A Halkin Street, Leicester. Wish you all a happy Diwali and a prosperous new year. For MOT services and all types of repairs, Elite Cars for your Mercedes-Benz and BMW car services is our specialty. For info, call Salesh Lakhani on 0116-216-6266. Happy Diwali and a prosperous new year from Mumbai Sandwich Station, 2 Poran Street, Leicester, phone 078-348-32249. Leicester na janita, super sweet mart na mota parivar aapne Deepavali ni shubhkamnao tatha nava varsh na hardik abhinandan paathve che. Devara na mangalik prasange swadisht nastao, poran thi bharpur mithayo tatha anya suka nastao mate ane kifayat bhavo mate ek vishwasniya naam, super sweet mart. 8688 Greenland Road, Leicester. Phone 0116-253-6316 or 0116-253-2323. 4 minutes case after chilling to home. Happy Diwali from one of the leading Bollywood promoters, Jayesh Kotak and Jay's Entertainment. Visit jaysentertainment.co.uk. स्पेशलिस्ट इन येलो गोल्ड एंड व्हाइट गोल्ड हम हर तरह की ज्वेलरी रिपेयर भी करते हैं इसके अलावा कस्टम मेड आपकी मनपसंद ज्वेलरी भी बनाते हैं राजप्रा ज्वेलर्स 110 बेलग्रेव रोड लेस्टर टेलीफोन 0116-266-5350 टिम टॉम द फाइन इंडियन फूड ब्रांड इज सेलिब्रेटिंग 40 इयर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इंडियन पिकल्स चटनीस पेस्ट Sources just for Diwali. We're reducing our Tim Tom pickles and chutneys from £1.59 to £1.29. And for the launch of our new Tim Tom chili sauces, these are buy one, get one free. This promotion will run from the 23rd of September until the 20th of October and is available at all good independent stores. Add some flavor to this Diwali with the tantalizing tastes of Tim Tom foods. Terms and conditions apply and while stocks last. Okay, now back. To our topic here, तो डॉक्टर साहब की तरफ लौट कर आ जाते हैं आपका अपना सबरस रेडियो 1260 किलोहर्ट्ज़ पर हमारे सामने डॉक्टर वाडवा बैठे हैं तो अब हमारे पास कौन सी बातचीत है जी अंबर जी मैं बहुत कम समय में बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ तो मैं सभी से चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से सुने हम लोग जानते हैं कि सर्दियों में जब ये सितंबर एंड या अक्टूबर में हम लोग फ्लू के इंजेक्शन लगाने शुरू करते हैं सब उन लोगों को जिनको इसकी जरूरत होती है जी. तो फ्लू जैसा कि हम जानते हैं कि आम तौर पर तो एक छोटी सी हफ्ते दो हफ्ते की बीमारी होती है जुकाम बुखार जिसे हम कहते हैं लेकिन कुछ खास तरह का इन्फ्लुएंजा बग वायरस जो होता है ये जो वल्नरेबल लोग हैं जो ज्यादा बीमार लोग हैं बूढ़े लोग हैं प्रेगनेंट वुमेन हैं या जिनको और कोई हेल्थ की प्रॉब्लम्स है उनको अगर ये हो जाए तो ये काफी जानलेवा भी हो सकता है काफी सीरियस हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए और जान पर भी आ सकती है सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं ब्रोंकाइटिस है न्यूमोनिया हो जाता है तो इन लोगों को ये कहा जाता है कि ये फ्लू वैक्सीन जो है हर साल लगानी है ये आमतौर पर सेप्टेम्बर के लास्ट वीक अक्टूबर फर्स्ट वीक से लगनी शुरू होती है तो बहुत से लोगों ने तो लगवा भी ली होगी लेकिन जिन्होंने नहीं लगवाई है तो उनको मैं बताता हूँ कि किस किस को लगवानी चाहिए और उसके लिए आप अपनी जीपी सर्जरी में जाएं रिसेप्शन पर कांटेक्ट करें और उन्हें बताएं कि आप फ्लू के लिए हैं तो वो जल्दी से चेक कर देंगे अगर आपको कंफर्म नहीं है कि आपको लगनी चाहिए या नहीं और फिर आपको उसके लिए उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं ये फ्री होती है ऑब्वियसली एनएचएस पर होती है तो ये फ्री ऑफ चार्ज एनएचएस पर सब पूरी पब्लिक के लिए नहीं है ये उनके लिए है जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 65 साल उनकी उम्र होगी 31 मार्च 2018 में अगले साल मार्च में तो अगर अभी आप 64 साल के भी हैं लेकिन 31 मार्च तक आप 65 के हो जाएंगे यानी कि आपका बर्थडे जो है 31 मार्च 1953 या उसके बाद का है 1953 31st ऑफ मार्च के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो इसका मतलब है कि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये जरूर लगाना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं जो विमेन हैं चाहे वो कितने भी कोई भी उनकी प्रेगनेंसी की स्टेज हो शुरू की हो या मिडिल की हो या एंड की हो उनको लगवा लेना चाहिए जरूर अगर वो लोग जो रेजिडेंशियल होम में रहते हैं या लॉन्ग स्टे केयर फैसिलिटी में रहते हैं तो कुछ भी उम्र हो उससे कोई फर्क नहीं है उन्हें लगवा लेना चाहिए जो केयरर्स हैं जो रजिस्टर्ड केयरर हैं जिन्हें केयरर्स अनाउंस मिलता है या भले ही वो पैसे ना भी लेते हुए अलाउंस के अगर वो किसी बुजुर्ग के लिए या किसी डिसेबल्ड आदमी के लिए पर्सन के लिए अगर वो केयर करते हैं उसकी केयरर हैं
तो उनको भी ये जरूर लगवा लेना चाहिए. जो हेल्थ और सोशल केयर वर्कर्स हैं उनको भी ये लगवाना चाहिए, लेकिन ये उनके जीपी के थ्रू नहीं है, ये उनके एम्प्लॉयर के थ्रू है. तो जहाँ वो काम करते हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ वो अरेंज करेंगे, ये जीपी नहीं लगा पाएंगे. इसके अलावा अगर आपको कुछ बीमारियाँ हैं, जैसे कि आपको अस्थमा है, लेकिन सब अस्थमा वाले नहीं, अस्थमा में जो लोग ब्राउन इनहेलर या स्टीरोइड के दूसरे इनहेलर या टैबलेट्स रेगुलर लेते हैं, या जिनको अस्थमा की वजह से पहले कभी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है उनको लगा लेना चाहिए. जिनको COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस, उनको जरूर लगाना चाहिए. जिनको हार्ट फेलियर है उनको लगाना चाहिए. जिनको किडनी की बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उनको लगाना चाहिए. जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस, उनको लगाना चाहिए. जिनको पार्किंसंस डिजीज है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिमाग की बीमारियां हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनको लगवाना चाहिए. डायबिटीज वालों को लगाना चाहिए, उम्र से कोई मतलब नहीं है, कितनी भी उम्र हो. स्प्लीन के जिनको प्रॉब्लम है, सिकल सेल डिजीज है, सिकल सेल ट्रेट नहीं, जिनको सिकल सेल ट्रेट है उनको नहीं जरूरत है, जिनको सिकल सेल डिजीज है उनको लगाना है. या अगर आपकी स्प्लीन निकाली जा चुकी है किसी भी वजह से, बीमारी या ऑपरेशन चोट की वजह से, तो स्प्लीनेक्टमी हो चुकी है, तो आपको लगना है. अगर आपका इम्यून सिस्टम कम है, HIV है, एड्स है, आप रेगुलर स्टीरॉइड्स खाते हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो आपको लगना है. अगर आपका सीरियस ओबेसिटी है, आपका BMI 40 से ज़्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स, तो आपको लगना है. बच्चों को लगता है तो 6 साल से ऊपर, 6 साल से कम बच्चों को नहीं लगता है, तो 6 साल से ऊपर के बच्चों में जिनको भी कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन जो मैंने ऊपर बताई उनको लग सकता है. 2 से 3 साल जिनकी उम्र 31 अगस्त 2017 को, इस साल 31 अगस्त को जिनकी उम्र 2 साल हो गई है और 3, यानी कि आपके बच्चे का जन्मदिन अगर 1 सितंबर 2013 या 31 अगस्त 2015 के बीच में है, so 1 सितंबर 2013 या 31 अगस्त 2015 के बीच में आपके बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसको ये लगना है. और स्कूल में अगर वो स्कूल में year 1, 2, 3 और 4 में है तो उनको लगना है. ये जो बच्चे हैं 2 साल से ऊपर वाले, उनको नाक में देते हैं, ये नेजल स्प्रे होता है, तो उसमें इंजेक्शन नहीं लगाते हैं उनको, तो बहुत ज़्यादा आसान है, नाक में उसको डाल दिया जाता है. और बाकी सबको 2 साल से कम के बच्चों को या बुजुर्ग बड़े लोग जो हैं उनको ये इंजेक्शन लगता है. तो अगर आपने अभी तक अपना फ्लू जैब नहीं लगवाया है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी सर्जरी से संपर्क करके आप ये लगवा सकते हैं. जो लोग समझते हैं कि उन्हें लगना चाहिए लेकिन इस लिस्ट में नहीं है, वो केमिस्ट से प्राइवेटली लगवा सकते हैं पैसा देकर, लेकिन वो NHS पर नहीं लगता है. ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. और आज भी जो है हम ऑन द डॉट ही अपने इस टॉपिक को खत्म कर पाए हैं, तो थैंक यू सो मच कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आए. और अगले हफ्ते का जो टॉपिक है मैं न्यूज के बाद बता देती हूँ. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाला. आपको हम सब की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से भी बिग थैंक्स, एंड वी शैल सी यू नेक्स्ट वीक. सो मिलते हैं श्रोताओं से न्यूज के बाद. सिर्फ एक बटन है अंबा जी, ये देखिए फिनिश.